रेलवे सुरक्षा विशेष बल द्वितीय वाहिनी में शुक्रवार को प्रशिक्षण केंद्र रजही कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 24 प्रशिक्षु आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आरक्षी प्रशिक्षुओं के दीक्षांत परेड की सलामी पूर्वोत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अतुल कुमार श्रीवास्तव ने ली। इस अवसर पर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अतुल कुमार श्रीवास्तव ने आरक्षी प्रशिक्षकों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाया तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षी प्रशिक्षु मनोज प्रसाद यादव, दीपक सिंह तथा आरक्षी प्रशिक्षु शकील अख्तर को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु का मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने आरक्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे की चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने की जिम्मेदारी आपकी है तथा आप सच्ची श्रद्धा व कर्तव्य परायणता के साथ देश सेवा भाव से रेल संपत्ति तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि सभी नव नियुक्त प्रशिक्षुओं को कानून, रेलवे की कार्यप्रणाली, रेलवे में अपराध, रेलवे में सुरक्षा इत्यादि अंतरंग विषय के साथ साथ इनको हौसला और बदन को मजबूत बनाने हेतु बहिरंग विषय में पीटी, परेड, यूएसी, योगा, वेपन हैंडलिंग तथा आधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों से फायर करना सिखाया गया, जो रेल संपत्ति सुरक्षा एवं रेल यात्रियों के जान माल की सुरक्षा के लिए मददगार होगा। उन्होंने जवानों को कर्तव्यनिष्ठ होकर देश सेवा की भावना के साथ साथ काम करने के लिए आशीर्वचन देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा रेल परिवार का हिस्सा बनने पर बधाई दी। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल द्वितीय वाहिनी के कमान अधिकारी अनुज चौधरी, सैन्य सहायक उग्रसेन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेलवे सुरक्षा बल के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, अनुदेशक पद अनुदेशक श्री यतुल्य कुमार दीक्षित एवं आरक्षी अनुदेशक श्री वरुण कुमार निरीक्षक श्री डीके सिंह के कुशल परीक्षण में इन पदाधिकारियों द्वारा दिया गया है। उप निरीक्षक श्री पवन कुमार दुबे, उप निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार राय द्वारा दिया गया है। इस क्रीड के मत उस समय सीमा से लगे स्टेशनों तक सेना को रसद, हथियार और गोला बारूद सुरक्षित पहुंचाने के लिए रेलवे के पास रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त भी हो गया। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी का अनुरोध किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के निरीक्षण के लिए प्रसन्नता व जोश से परिपूर्ण आरक्षी प्रशिक्षुओं की यह परेड सेरेमोनियल भौतिक परिधान में अनुशासित ढंग से खड़ा और सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता हुआ और जाते समय सम्मान स्वरूप बजाई जाने वाली राष्ट्रधुन पर कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करेंगे। सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को लिए हुए अनुदेशक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए अनुदेशक श्री नवीन कुमार, इनके पीछे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को
कुमार जी तथा इनके पीछे यूनिट ध्वज लिए हुए अनुदेश सहायक उप निरीक्षक श्री कैलाश रतन। है कि इन आरक्षी प्रशिक्षुओं को शपथ ग्रहण कराने की कृपा करें। प्रतिज्ञा करता हूँ और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान रहूंगा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का वफादारी ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। इस भव्य परेड की शोभा बढ़ा रहे आरक्षी प्रशिक्षु मैं हरिशंकर द्विवेदी प्रधानाचार्य प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से समूचे प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप वर्तमान में दोहरी जिम्मेदारी के उपरांत हमारे बीच पधारे एवं इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए यह बहुत बड़ा उपकार है। रेलवे बोर्ड द्वारा इस प्रशिक्षण केंद्र को कुल 24 कांस्टेबल रिपोर्ट को प्रारंभिक प्रशिक्षण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई और भारत के विभिन्न प्रांतों से एवं भारतीय रेल के 8 जोन से जिनमें नॉर्दर्न रेलवे के 5, एसईआर के 8, एसईसीआर के 1, ईस्टर्न रेलवे के 2, ईसीआर के 2, सेंट्रल रेलवे से 3, एनसीआर से 1 एवं एनईआर से 2, कुल 24 आरक्षी प्रशिक्षु इस प्रशिक्षण केंद्र में दिनांक 11/10/2020 को रिपोर्ट किए एवं इस मुकाम तक पहुंचने में सफल रहे। देश में रेल सुरक्षा बल की सर्वोपरिता की अवधारणा के अनुसार सभी प्रशिक्षु वेल क्वालिफाइड हैं। इनमें से 7 आरक्षी प्रशिक्षु भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं जो पूर्व में देश की सेवा करके पुनः रेल सेवा में पदस्थ हुए हैं। 8 माह की उस अवधि में कई विषय सहायक होते हैं जैसे कानून की पढ़ाई में आईपीसी, सीआरपीसी, रेलवे आरपीएफ रूल आरपीएफ एक्ट के साथ साथ रेलवे सिस्टम एवं राजभाषा, सिक्योरिटी ऑन रेलवे, क्राइम ऑन रेलवे, डिजास्टर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी इत्यादि विषयों में इन्होंने पारंगता अर्जित की। इसके अलावा अपने हौसलों और बदन को मजबूत बनाने के लिए पीटी परेड, यूएसी, योगा, वेपन ट्रेनिंग तथा आधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों से फायर करना इन सब का पाठ्यक्रम रहा और इसी के फलस्वरूप आज यह प्रशिक्षु अपनी सिखलाई के आधार पर सिविल सिटीजन से सोल्जर में परिवर्तित हो चुके हैं। स्थान प्राप्त किया है। साथ ही परेड कमांडर के रूप में इसे दीक्षांत परेड का सफल संचालन ऐसे थोड़ा कर दीजिए सर, ऐसे टर्न करा दीजिए, पहले पहना देते हैं, पहना लीजिए आप आराम से, सर्टिफिकेट लेके सर 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 पीछे आ जाओ भाई थोड़ा सा लेंगे फ्रेम में आएगा इधर इधर थोड़ा थोड़ा सर इधर सर श्री चौधरी कमांडिंग ऑफिसर सेकंड बटालियन
श्री द्विवेदी प्रिंसिपल ट्रेनिंग सेंटर आरपीएसएफ सेकंड बटालियन, यहाँ के अन्य अधिकारीगण और जो आमंत्रित अधिकारीगण, यहाँ के सभी अधीनस्थ एवं सभी आरपीएसएफ के प्रशासनिक स्टाफ, यहाँ का उत्कृष्ट आरपीएसएफ का बैंड, मीडिया एवं अन्य सभी उपस्थित महिलाओं और सज्जनों, मुझे अत्यंत खुशी है कि आज ये 44 बैच यहाँ से पास आउट हो रहा है। और उस टाइम पे पास आउट हुआ है जबकि जो सेकंड वेव आई थी वो पहले वेव के मुकाबले अति सीरियस थी। कई लोगों के परिवारों में मुझे मालूम है कि बहुत सीरियस केसेस हुए, कुछ लोग नहीं भी रहे। और मैं इस पूरे प्रशिक्षण केंद्र को बधाई देना चाहूँगा कि इतनी विषम परिस्थितियों में इन लोगों ने ये ट्रेनिंग कोर्स पूरा कराया। आज जो आपने शपथ ली है मैं आपको बधाई देता हूँ। आपके प्रशिक्षण और पास आउट होके आप एक नया परिवार ज्वाइन कर रहे हैं फाइनली। लेकिन जो आज आपने शपथ ली है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमेशा याद रहेगी। जैसे एक डॉक्टर है वो शपथ लेता है एक समाज की सेवा के लिए और अंत तक उसको शपथ याद रहती है, एमबीबीएस से पास होता है, उसी तरह आप एक यूनिफॉर्म पर्सन हैं और जो शपथ ली है उसको अपने पास रखें और उसको पढ़ें। आप राष्ट्र सेवा में जा रहे हैं, आरपीएफ की सेवा में जा रहे हैं, भारतीय रेल की सेवा में जा रहे हैं। आपको जो जॉब मिला है वो 70 लाख एप्लीकेंट्स में से वो आप लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया है, ये जरूर याद रखिएगा। और ऐसा कोई कार्य नहीं करिएगा जिससे हमारी फोर्स या हमारी देश पे कोई उंगली उठा सके। आज हमारा देश बदल रहा है, बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसी तरह रेलवे में भी बदलाव आ रहा है, लगातार बदलाव आ रहा है। और हमारे महानिदेशक महोदय के कुशल निर्देशन में आरपीएफ और आरपीएसएफ में भी बहुत बदलाव आया है। आप उस बदलाव का अंग बनने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, आपके प्रिंसिपल बता रहे थे, तो आज के युग में आपको जब आप पोस्ट पे जाएंगे, जोन्स में काम करेंगे, तो जो जो नए परिवर्तन आए हैं, चाहे क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क वर्किंग सिस्टम हो, CCTNS या साइबर हो या RSMS है, ये सब चीज़ें आपको जो प्रशिक्षण में पढ़ाई गई होंगी वो थ्योरी में पढ़ाई हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि जब भी आप पोस्ट पे जाएं और वर्किंग में जाएं, तो जो बदलाव और चेंज आ रहा है उसका पार्ट बने और एक मोस्ट एफिशिएंट फोर्स के रूप में जो आरपीएफ कुल 74 से 75 हजार है पूरे देश में और कोने कोने में रह के छोटी छोटे थानों में पोस्टों में रह के आरपीएसएफ बटालियंस के रूप में जो इतने बड़े रेल और क्षेत्र और ट्रेन की सुरक्षा करती है उसका आप अंग बन रहे हैं, तो चैलेंजेस हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोग इन चैलेंजेस को पूरा करने में अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड कमांडर ने के कुछ कॉलम में धीरे चल रहे मंच से गुजरेगा परेड।
3-8-3 में दाहिने बाएं चले गए, दाहिने बाएं मुड़ ब्रेक निष्क्रमण के लिए दाहिने बाएं घूम सामने से धीरे चल जो कि विधायक धुन है पर परेड भीमे चाल के मंच की तरफ से बढ़ते हुए परेड कमांडर मायक रैंक से मध्य अतिथि महोदय को सैलिक करते हुए आगे बढ़ते हुए प्रशिक्षण परेड की समाप्ति पर इन सफल आरक्षियों का अंतिम पदचाल है जिससे गुजर कर ये सफल आरक्षी अपने जीवन के आज ये 44 बैच का पासिंग आउट परेड था और ये लोग विभिन्न जोनों से आए थे और इन्होंने 8 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद ये लोग पास आउट होके अब वेरियस जोन्स में जाएंगे। इनको यहाँ पे हर तरह का आउटडोर इंडोर हर तरह का प्रशिक्षण दिया गया है और उच्च कोटि का दिया गया है। RPSF एक बहुत अच्छा यूनिट है, 2nd बटालियन का ये नोडल यूनिट है ट्रेनिंग पूरे इंडिया का और आई एम श्योर यहाँ जितनी अच्छी इनको ट्रेनिंग दी गई है वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे जब ये अपने पोस्टों पर और जोन में जाएंगे। तो ये कहाँ कहाँ ड्यूटी ये विभिन्न जोन में जाते हैं, जैसे आपके इंडिया में 16 जोन हैं तो इसमें शायद 7 जोन के लोग हैं, कुछ NER के हैं, कुछ नॉर्दर्न के हैं, कुछ WCR के हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवे वगैरह के। तो जब ये जाते हैं तो इनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद इनकी पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग के बाद ये लोग थानों पे और फील्ड में काम करते हैं, जो भी इनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं स्क्वाटिंग की, पैसेंजर सिक्योरिटी की, क्राइम डिटेक्शन की आदि आदि।